स्वागत है आपका हमारे द्वारका मुर्गी देसी फार्म से। तो भाई साहब यहाँ पे क्या क्या मिलता है? यहाँ पर कड़कनाथ अंडे, कड़कनाथ मुर्गी, फाइटर अंडे, फाइटर मुर्गी के बच्चे, मुझे सारा कुछ मिलता है। सारा कुछ मिलेगा। अच्छा भाई साहब, फ्री रेंज में सब नेचुरल तरीके से पाली जाती हैं। अच्छा, बंद कमरे में नहीं करी जाती? नहीं सर, बाहर रहती हैं और शाम को अपनी जगह पे पहुंच जाती हैं सोने रहने के लिए। सोने रहने के लिए अपनी जगह शाम को अपने आप चली जाती है अपनी जगह। तो मतलब यहाँ पे मतलब किस तरीके से पालते हो आप दिन भर में? ऐसे ही रहती हैं, सब्जी उब्जी लाकर डालते हैं। अच्छा, कोई केमिकल नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। घास फूस यही डालते हैं, सत्ता गोभी का ला के डालते हैं, सब नेचुरल तरीके से पालते हैं। बिल्कुल नेचुरल? अरे बहुत बढ़िया भाई साहब। तो मतलब कहाँ आना पड़ेगा तुम्हारे मुर्गी फार्म पे आने के लिए? हमारा मुर्गी फार्म नई बस्ती छाता तिलई बाजार महुआ में। अलाहाबाद। अरे बहुत बढ़िया भाई साहब। तो मतलब कौन कौन सी वेरायटी मिलती है आपके पास? हमारे पास कड़कनाथ, सोनाली और फाइटर मुर्गी, और फाइटर चूजे। हाँ, दंगल लड़ने वाली मुर्गी होती है। अच्छा, अपनी जान से खेल जाती है। असल प्योर। ये नहीं कि इंजेक्शन लगा के बड़ा कर दिया? नहीं, असल प्योर। ये मुर्गियाँ जो है हम नेचुरल तरीके से मुर्गी से बच्चे निकालते हैं। मुर्गी से बच्चे? हाँ, ऐसे लाते नहीं है, मुर्गी से बच्चे निकालते हैं। तो बहुत बढ़िया भाई साहब। तो और ये जो है फाइटर के बच्चे हैं। ये फाइटर के बच्चे हैं और इधर भी हैं बड़ी बड़ी साइज में। कोई एक रात फाइटर दिखाओ, जो दिखाए फाइटर है। ये देखो फाइटर के बच्चे हैं, ये सारे फाइटर के बच्चे हैं, सारे फाइटर के। मतलब कबूतर भी है, सिराजी कबूतर भी है हमारे पास। सिराजी कबूतर भी है। अरे भाई, फैंसी कबूतर है, दिखाना। ये देखो बच्चे भी कर रखा है अंदर। ये देखो, अरे वाह, ये सिराजी कबूतर है। ये देखने में अच्छा शौकीन होते हैं, शौकीन तरीके से रख सकते हैं। लोग पालते हैं इसको। ये कौन सा मुर्गा है? एक कड़कनाथ मुर्गा है। कड़कनाथ मुर्गा। इसका वेट जो है 2 किलो करीब है। कड़कनाथ। हाँ, तो कितने में मतलब तुम्हारे यहाँ कितने महीने में तैयार होते हैं? 6 महीने में। और तो 3 महीने में तैयार कर देते हैं। नहीं, वो डबल एफजी होता है, वो भी रखते हैं। हाँ, उसको ला के तुरंत बेचते हैं, मिलता भी वो भी है। वो मिलता है। हाँ, तो मतलब वो जो 3 महीने में तैयार कर। ये सोनाली देसी मुर्गा है। सोनाली देसी मुर्गा? हाँ, ये सोनाली है। सब यहीं पले बड़े हैं? हाँ, सब यहीं पर। और आप फाइटर बता रहे थे, कौन सा फाइटर? कोई फाइटर इधर है। कहाँ है? अच्छा, सब खुले हुए हैं मतलब है? कोई भी बंद नहीं है कहीं पे? अरे भाई साहब, ये देखो ऐसे लाखा है। लाखा ये नस्ल होता है, लाखा नस्ल है। तो ये कब तक लड़ लेते हैं? ये अपने जान गंवा देते हैं लड़ते, लेकिन हार नहीं मानते। नहीं। और जो फार्मी वाले होते हैं वो लड़ते नहीं, वो मीट के लिए होते हैं। अच्छा, मीट के लिए होते हैं। तो आप फिर से बता दोगे एक बार एड्रेस आप अपना? कहाँ रहते हैं? कहाँ मतलब कहाँ मिले, आना पड़ेगा हमें इसको लेने? नई बस्ती छाता, महुआ में, तिलई बाजार। चलो, क्या बाजार आ जाएंगे तो वहाँ से हमारा बस आधा किलोमीटर हमारा फार्म। तिलई बाजार से आधा किलोमीटर नई बस्ती छाता लगता है। नई बस्ती छाता, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो कितने की रेंज मिलेगा आपको यहाँ पे? ये सब ये 5,000 से लेके हाँ और 700 तक मुर्गे हैं यहाँ पर। 700 तक के? महंगे नहीं है भाई साहब? नहीं, इतने महंगे क्या, देसी प्योर देसी नेचुरल तरीके से पालते हैं। 6 महीने पालते हैं तब तैयार होते हैं। ये इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते? दवाई मतलब खा के बीमार नहीं पड़ेंगे हम? नहीं, बिल्कुल नहीं बीमार पड़ेंगे। अगर पड़ जाए तो? ये कड़कनाथ अंडा खाएंगे तो इसमें प्रोटीन से भरा हुआ है, एकदम प्रोटीन से भरा हुआ है। इसमें कोई चीज के खांसी जुकाम बुखार कोई भी बीमारी उसमें काम आता है। कड़कनाथ का मुर्गा? तो मुर्गा भी और अंडा भी। अंडा कितने रुपए का मिलता है आपके पास? अंडा 20 रुपए का है इसका, कड़कनाथ का। कड़कनाथ बाहर तो 15 का मिलता है? नहीं, 15 का वो देसी वैसी देते हैं, लोकल देते हैं। तो आपके वहाँ 20 रुपए लेंगे लेकिन काम करके देंगे 20 रुपए? एकदम बढ़िया, एकदम नेचुरल दिखा के देंगे। ये नहीं है कि तुम्हें कुछ भी पकड़ा देंगे, प्रमाणित करके देंगे ना। चलो। तो आपके पास हम आएंगे कड़कनाथ मुर्गा लेने के लिए। अच्छा, वो बड़ा वाला है? अरे वाह, यहाँ तो सब फ्री घूम रहे हैं। फ्री रेंज रहता है। अच्छा, अरे ये तो बोल भी रहा है, बहुत बढ़िया।
यहाँ तो तुमने पूरा जंगल ही बना रखा भाई साहब, ये और मुर्गा है। इन्हें बंद करके क्यों नहीं रखते आप? नहीं नहीं बंद करके नहीं, हम फ्री रेंज से पालते हैं। हाँ। और सब्जी और पत्ते गोभी ये सब तैयार करते हैं और गेहूँ चावल से तैयार करते हैं, ऐसे भी मैं कंपनी का पेट खिलाता हूँ। ये देखो ये बच्चा भी, ये देखो ये भी फाइटर का बच्चा है। अच्छा ये छोटा वाला? छोटा वाला बड़ा वाला वो सब फाइटर के बच्चे हैं। ये कड़कनाथ का बच्चा है, ये कड़कनाथ का बच्चा है। सब यहीं पैदा हो रहे हैं, यहीं बढ़ रहे हैं। अरे एक मुर्गा ये भी है, इसे ये असील है। अच्छा ये 4 किलो वेट है। अरे अरे तो पकड़ में ही नहीं आ रहा भाई साहब। अरे तो काम, अरे वाह, तो भाई साहब कब से कब तक खुला रहता है आपका फार्म? हमारा 24 घंटे अगर कोई आ जाए, मैं गेट पे ही रहता हूँ, मैं अपने ऑफिस में ही रहता हूँ गेट पे, और जो भी कोई भी आ जाएगा मिल जाएगा, किसी भी टाइम आ जाओ, किसी भी टाइम, सातों दिन और 365 दिन, किसी टाइम में आ जाए, मैं गेट पे पूरे हफ्ते, हाँ गेट पे ऑफिस है हमारा, उसी ऑफिस में रहता हूँ, कोई आएगा तो मिल जाएगा उसको। तो भाई साहब देख लो ये रहा पोस्टर, और आप नाम नहीं बताया आपने अपना? नहीं अपना नाम द्वारका मुर्गी फार्म है। नहीं अपना खुद नाम? हमारा वीरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू के नाम से जाते हैं। अच्छा पप्पू के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स काम था हमारा टीवी बनाने का, उसको छोड़ के इसको कर रहे हैं। चलो ठीक है, जैसे तिलई बाजार में आकर आपका नाम पूछे तो? हाँ कोई किसी से पूछे सब बता देंगे। सब बता देंगे। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया।